हेलो एंड वेलकम टू स्टडी सपोर्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड पार्ट टू। हमने पार्ट वन डिस्कस किया है जिसमें हमने देखा था व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, और हमने देखा था व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। अब आज के वीडियो का जो हमें टॉपिक है वो है बैलेंस्ड डाइट एंड डिफिशेंसी डिजीजेस। तो हम देखते हैं अपने बुक का तीसरा टॉपिक, दैट इज बैलेंस्ड डाइट। देखो क्या होता है कि मैंने आपको पहले वीडियो में बोला था कि जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारा फूड होता है एक्चुअली, उसमें डिफरेंट न्यूट्रेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होते हैं। लेकिन ये जो न्यूट्रेंट्स होते हैं ये हमें राइट क्वांटिटी में लेने होते हैं, हमें न ज़्यादा लेने होते हैं न कम लेने होते हैं। और अगर हम इनको राइट क्वांटिटी में लेंगे, यानी जैसे हमारी बॉडी को ज़रूरत है, तो ऐसे डाइट को बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, तो बैलेंस्ड डाइट इज अ डाइट that contains different kinds of food items in such quantity and proportion that the need of all nutrients in our body are met. ठीक है, हो गया क्लियर। हमें इतना ज़्यादा लेने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फैट ज़्यादा लेंगे तो हमें एक बीमारी होती है ओबेसिटी, मोटापा हो जाता है। और अगर हम कोई न्यूट्रेंट कम लेंगे तो हमें फिर डिफिशेंसीज होती हैं, जैसे रिकेट्स हैं। अगर हम विटामिन डी कम लेंगे तो एक बीमारी हो जाती है, उसको बोलते हैं रिकेट्स। ये हम अभी आगे डिफरेंसी डिजीज में पढ़ेंगे। अब न्यूट्रिएंट्स के बावजूद हमारा जो बैलेंस्ड डाइट होता है उसमें गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर होना चाहिए, यानी हमें पानी और रफेज भी हमारे बैलेंस्ड डाइट में राइट क्वांटिटी में होना चाहिए। अब एक पॉइंट है बेटा जो आपको याद रखने का ज़रूरत है, कि वो ये है कि जो बैलेंस्ड डाइट होता है ये डिफर करता है, ये डिफर करता है विथ एज, विथ जेंडर एंड विथ फिजिकल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे आप अभी 6th क्लास में हो, आपको ज़्यादा प्रोटीन लेने की ज़रूरत हो, आप अभी बच्चे हो, बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन लेने की ज़रूरत होती है। और जो एल्डर्स होते हैं, जैसे आपके टीचर हैं, जैसे आपके प्रिंसिपल साहब हैं, तो इनको प्रोटीन्स की ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती है जितनी आपको ज़रूरत होती है। इनको भी ज़रूरत होती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी आपको ज़रूरत होती है। ऐसे ही मेल और फीमेल, इनमें भी डिफरेंट रहता है बैलेंस्ड डाइट। ऐसे ही फिजिकल एक्टिविटी, कभी कभी आप खेलते हो तो आपको उस टाइम एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत होती है, कभी आप घर में बैठे हो उस वक्त ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत नहीं होती है। सो ये डिफर होता है बैलेंस्ड डाइट विथ एज, विथ जेंडर एंड विथ फिजिकल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, सो बैलेंस्ड डाइट क्लियर हो गया। अब जाते हैं हम डिफिशेंसी डिजीजेस पे। अगर हम कोई भी न्यूट्रेंट बहुत टाइम तक नहीं खाएंगे, यानी हमारी बॉडी को बहुत टाइम तक कोई न्यूट्रेंट ना मिले, लैक ऑफ ए न्यूट्रेंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो हमारी बॉडी में डिजीजेस पैदा होती है और उस डिजीज़ को बोलते हैं डिफिशेंसी डिजीज। देखो डिजीजेस यानी बीमारियां बहुत टाइप की होती हैं। एक होता है इन्फेक्शस डिजीजेज, यानी हम इन्फेक्शन हो गया तो हम बीमार हो गए तो वो होते हैं इन्फेक्शस डिजीज। अब किसी को होता है जेनेटिक प्रॉब्लम्स, यानी अगर उसके वालिद साहब, माँ या कहीं दादा दादी को कोई प्रॉब्लम होती है, वो फिर बच्चे में भी आ जाती हैं, उनको बोलते हैं जेनेटिक डिजीज़। एक और डिजीज़ है जो हमारे फूड से रिलेटेड है, वो है अगर हम कोई चीज़ कम खाएंगे तो हमें डिफिशेंसी होती है उस चीज़ की, उसी को बोलते हैं डिफिशेंसी डिजीज़। ठीक है, सो डिफिशेंसी डिजीज़ दैट ओकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रेंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कोई भी न्यूट्रेंट हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ना खाएंगे तो हमें डिजीज़ होती हैं जिनको बोलते हैं डिफिशेंसी डिजीज़। और ये जो डिफिशेंसी डिजीज़ होती हैं ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं बैलेंस्ड डाइट से। ठीक है, तो हमें लेना हो पड़ता है बैलेंस्ड डाइट ताकि हमें डिफिशेंसी डिजीज़ से छुटकारा मिल जाए। अब आपकी बुक से मैंने ये लिया है जिसमें न्यूट्रेंट्स दिए हैं, डिफिशेंसी दिया है, डिफिशेंसी डिजीज़ कौन सी होती हैं और क्या सिम्टम्स हैं। जैसे विटामिन ए दिया है, विटामिन ए की डिफिशेंसी है, अगर हम विटामिन ए ना लेंगे तो इससे डिफिशेंसी होती है लॉस ऑफ विजन। ठीक है, तो हमें पुअर विजन होता है, यूजुअली डार्क ब्लाइंडनेस होता है जिसको बोलते हैं कि जब शाम होती है तो हमें उस टाइम ज़्यादा दिखता नहीं है। ऐसे ही विटामिन B1, इससे बेरी बेरी होता है, हमारी जो मसल्स हैं वो वीक पड़ जाती है और हमें एनर्जी काफ़ी, हम काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं बेरी बेरी की वजह से, और ये डिफरेंसी होती है विटामिन B1 से। ऐसे ही अगर हम विटामिन सी कम लेंगे, विटामिन सी होता है सिट्रस फ्रूट्स में, अगर हम ये कम लेंगे तो एक डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं स्कैरवीसी, और इससे क्या होता है जो हमारी बोन ये गम्स होते हैं वो उनमें ब्लीडिंग होती है, जैसे मैं दिखाता हूँ सी, तो ये स्कैरवीसी डिजीज़ की वजह से होता है, यानी ये
विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। इसी तरह विटामिन डी अगर हम कम लेंगे, अगर इसकी डिफिशेंसी होगी तो रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स क्या होता है, हमारी जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट और बेंड हो जाती हैं। ये देख लो, ये है नॉर्मल स्ट्रक्चर। अगर हमारी अगर किसी बच्चे को रिकेट्स होगा तो उसके बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट पड़ेंगे और बेंड हो जाएंगे, यू कैन सी हियर। ओके, इसी तरह है आयोडीन की कमी अगर हो जाएगी तो उसको एक बीमारी होती है गॉइटर। गॉइटर यानी जो हमारा ग्लैंड होता है नेक में, वो स्वेल हो जाता है, यू कैन सी हियर। ठीक है, सो ऐसे ही एनीमिया, एनीमिया होता है डिफिशेंसी ऑफ आयरन और इससे हमें कमज़ोरी हो जाती है, हमें मतलब हमें लगता है कि हम कमज़ोर हो गए हैं, और क्योंकि हमें कमी होती है आयरन की। और ये तो आपकी बुक में था, उसके बावजूद हैं ख्वाश होकर ये डिजीज़ होती है अगर लैक ऑफ प्रोटीन्स होगा, अगर हमने प्रोटीन्स नहीं लिए होंगे। प्रोटीन्स जैसे मैंने बोला था पहले ही वीडियो में, हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरत होता है, लेकिन अगर हमने प्रोटीन्स नहीं लिए होंगे तो हमें एक डिजीज़ हो जाती है, उसको बोलते हैं खोशोकर। खोशोकर क्या होता है बेटा, इसमें लार्ज पॉट लाइक बली, यानी ये देख लो पेट बाहर निकलता है, ग्रोथ रुक जाती है बच्चे की, स्वेलिंग होता है फेस में, स्किन डिजीज होती है और मेंटल रिटार्डेशन होता है बच्चे का। ठीक है, सो ये होता है लैक ऑफ प्रोटीन से। और एक बहुत कॉमन डिजीज है, दैट इज मरसमस। मरसमस क्या होता है, ये लैक ऑफ प्रोटीन एज वेल एज लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इससे क्या होता है, इससे जो इंसान की जो बोन्स हैं, इंसान की जो मसल्स हैं, वो पुअर डेवलप होती है, इंसान की बोन्स दिखने लगती हैं, ये बच्चा बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, इसको लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, इसको भूख नहीं लगती है, और मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है इसमें, और जितनी और डिजीज़ के खिलाफ जो फाइट होती है अंदर बॉडी, वो भी कम, उसमें भी इसको कमज़ोरी आती है। सो इट इज़ मरसमस लैक ऑफ प्रोटीन्स एज वेल एज लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सो ये हो गई कुछ डिफिशेंसी डिजीजेस। ओके, सो अब हम जाते हैं, जैसे मैंने बोला था आपको, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे लास्ट में इस चैप्टर के। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम द मेजर न्यूट्रेंट्स इन आवर फूड। सो कितने न्यूट्रेंट्स हैं हमारे फूड में, 5 न्यूट्रेंट्स हैं। व्हाट आर दे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, हो गया ये क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, पहला पार्ट, द न्यूट्रेंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। कौन से न्यूट्रेंट्स हमारी बॉडी को मेनली एनर्जी देते हैं, एक है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है फैट्स, दूसरा ऑप्शन, द न्यूट्रेंट्स दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ये मैंने बोला था ग्रोथ के लिए कौन सा न्यूट्रेंट जरूरत होता है, प्रोटीन जरूरत होता है। ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट, इट इज विटामिन ए। ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्थी, इट इज कैल्शियम। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, नेम टू फूड आइटम्स ईच रिच इन फैट्स। हमें दो आइटम्स, फूड आइटम्स बोलने हैं जिनमें फैट्स होता है, स्टार्च होता है, ऐसे ही डाइटरी फाइबर होता है और प्रोटीन होता है। तो फैट्स किस में होता है, बटर में होता है, घी में होता है, ऑयल्स में होता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, ऐसे ही स्टार्च किस में होता है, स्टार्च राइस, वीट। ओके, डाइटरी फाइबर किस में होता है, ये मूली में होता है, रेडिश। ओके, जिसमें सेल्यूलोज ज़्यादा होता है उन्हीं में ये होता है, रेडिश हैं, कैरेट हैं। ठीक है, इनमें होता है डाइटरी फाइबर्स। और प्रोटीन्स का बहुत ही ईजी है, प्रोटीन्स होता है मील में, दिस मीट में, फिश में, एग में, इनमें प्रोटीन्स होते हैं। ओके, सो जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, वो ऑफ टिक क्रॉस है, वो ऑफ खुद कर लीजिएगा, दैट इज एन असाइनमेंट फॉर यू। फिफ्थ इज फिल इन द ब्लैंक्स, डाइजेशन इज कॉज्ड बाय डिफिशेंसी ऑफ विटामिन डी। डिफिशेंसी ऑफ विटामिन डी, अभी हमने क्या देखा, कौन सी बीमारी होती है उसे, रिकेट्स होता है उसे। ओके, बोन्स बैंड हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं बोन्स, उस बीमारी को बोलते हैं रिकेट्स। डिफिशेंसी ऑफ डाइजेशन कॉज ए डिजीज नोन एज बेरीबेरी, यानी कमजोरी, बेरीबेरी हमने देखा था विटामिन B1 से, और इंसान कमज़ोर पड़ जाता है उससे। देन देयर इज डिफिशेंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज ए डिजीज नोन एज स्कैरवी, यानी ब्लीडिंग ऑफ गम्स। और लास्ट में है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ए इन आवर फूड। ओके, सो ये हो गए हमारे एक्सरसाइज भी, और ये पूरा कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो साइंस का दूसरा चैप्टर है 6th क्लास का,
ये इसी के साथ हमें कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग और डू लाइक डू शेयर एंड सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही सिलेबस रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।